भारत की नदियों को धार्मिक रूप से साफ सफाई और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से आज ये नदियाँ इतनी गंदी हो चुकी हैं, जिसमें नहाना तो दूर की बात है, आप इनके पास भी जाना पसंद नहीं करेंगे। पूरी दुनिया का 90% कचरा 10 नदियों से होकर जाता है, जिसमें से 3 नदियाँ भारत से होकर जाती हैं, जिनमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र शामिल हैं। 2023 की एक रिपोर्ट की माने तो गंगा 5वीं ऐसी नदी है जिसमें सबसे ज्यादा कचरा मौजूद है। गंगा को हिंदू धर्म में कोई नदी नहीं बल्कि देवी माता का रूप माना जाता है। गंगा को शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक कहा जाता है क्योंकि ये अशुद्धियों को सोखती है, लेकिन इसी पवित्र नदी को हम इतना गंदा बनाते जा रहे हैं जिसे देखने पर सिर्फ कचरा ही नजर आता है। गंगा नदी के आसपास लगभग 400 मिलियन लोग रहते हैं, जो कि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बताए जाते हैं। प्लास्टिक और कचरे तो नदियों को गंदा कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो नदियों के पानी को गंदा कर रही है वो है गंदे नाले का पानी, जो कि सीधा सीधा नदियों में ही बहा दिए जाते हैं। ये समस्या आप जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना बड़ी है, क्योंकि आज भी कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो कि नहाने, कपड़ा धोने और खाना पकाने के लिए नदियों पर निर्भर हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भारत में होने वाली 80% बीमारियां पानी से निकलने वाली बीमारियों की वजह से होती हैं। गंगा नदी 1 लाख के बीच आबादी वाले 97 शहर और 48 कस्बों से होकर गुजरती है, साथ ही लगभग 100 और ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 1 लाख से भी ज्यादा है, और इनमें से मैक्सिमम शहर के नाले इस नदी से अटैच हैं। दूसरी चीज जो नदियों को गंदा कर रही है वो है कूड़ा और प्लास्टिक। गंगा के तट पर कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे इंडस्ट्रियल शहर बनने की वजह से आबादी बढ़ती जा रही है, और यहाँ कई बड़ी फैक्ट्रियां, कारखाने और हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, और इनका वेस्टेज गंगा में बहाया जा रहा है। कानपुर शहर के पास गंगा नदी की एक सहायक नदी पांडू के पास एक प्लांट है जो कि कोयले से बिजली बनाता है। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि यहाँ हर साल 6 लाख टन कोयला जलता है, जिसमें से 2,10,000 टन राख निकलती है, जिसे पांडू नदी में बहा दिया जाता है। इसके साथ ही सीसा और स्टील जैसे भारी मेटल्स को भी इन नदियों में बहा दिया जाता है, जो कि जब गंगा से मिलते हैं तो उसे भी पूरा पॉल्यूट कर देते हैं। हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि गंगा के तट पर अंतिम संस्कार करने से मरने वाले के सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अकेले वाराणसी में ही हर साल 40,000 शवों को जलाया जाता है और उनकी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाता है। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अस्थियों में कैल्शियम और हड्डियों में मिनरल्स की वजह से अस्थियां गंगा में बहाने से उसका पानी प्रदूषित नहीं होता, लेकिन कोविड के समय कुछ बॉडीज को आधा अधूरा जलाए ही गंगा में बहा दिया जाता था, और ऐसा उन फैमिलीज के साथ हुआ था जो लकड़ी की हाई कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और जो बॉडीज डीकम्पोज नहीं हुई होती हैं वो भी पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण बन जाती हैं। हालांकि ये सिर्फ कोविड के समय हुआ था, लेकिन कुछ समय पहले जब हैजा की बीमारी आई थी तब भी कई लाशों को गंगा में फेंक दिया गया था, जिससे कई बड़ी बीमारियां फैल गई थीं। गंगा एक रिलीजियस प्लेस है, यहाँ डेली हजारों लोग नहाते हैं, लेकिन सड़े हुए नाले का पानी, कचरा और मरे हुए जानवरों की बॉडीज गंगा के पानी को गंदा करती जा रही हैं, जिससे कई बड़ी बड़ी बीमारियां होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। नदियों को साफ करने का एक नेचुरल तरीका ये है कि उसमें ना कुछ डाला जाए और ना ही कुछ निकाला जाए। यदि नदियों में कुछ डाला ही नहीं जाएगा तो पानी गंदा ही नहीं होगा, और जो पहले से कचरा मौजूद है वो भी बहकर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और उसे कलेक्ट करके पूरे रिवर को कम्प्लीटली क्लीन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ गंगा में कूड़ा, कचरा और नाले के पानी को पूरी तरह से बंद करना होगा। 1985 से 2000 के बीच गंगा नदी को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसमें $226 मिलियन खर्च किए गए। इस मिशन को जिस समय शुरू करना था उसमें 2 साल की देरी हो गई, जिस वजह से इसका खर्च दुगना हो गया। साथ ही पॉलिटिकल प्रचार की वजह से इस नदी के मिशन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसमें इससे जुड़ी सरकारें और एजेंसियां ने भी ढंग से काम नहीं किया, जिस कारण ये मिशन फेल हो गया। दिसंबर 2009 में वर्ल्ड बैंक नदी को बचाने के लिए भारत को $1 बिलियन का कर्ज देने पर राजी हुआ। 2010 के एक अनुमान के अनुसार नदियों को साफ करने के लिए $1.5 बिलियन की जरूरत है। गंगा को नवम्बर 2008 में भारत की नेशनल रिवर बना दिया गया, जिसके बाद इसकी साफ सफाई पर और ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। जुलाई 2014 में भारत सरकार ने नमामि गंगे नाम से एक परियोजना पर एक्शन लिया, जिसके लिए 2,037 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। बेसिकली इस मिशन का प्लान रिवर के सरफेस की साफ सफाई, वनीकरण और पॉल्यूशन को कम करके पानी की क्वालिटी को सुधारना है। ऐसा देखा गया है कि जिस तरह पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसी तरह गंगा के पानी में भी कमी आ रही है। वाराणसी में पहले गंगा की गहराई 200 फीट थी, लेकिन कुछ जगह
जगहों पर ये सिर्फ 35 फीट ही रह गई है। ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाले तो गंगा को नाले का पानी, कूड़ा कचरा और केमिकल फैक्ट्रीज ज्यादा गंदा कर रही हैं, और गंगा को साफ करने का एक ही उपाय है, वो है इन सब को बंद करना, ताकि इसके पानी को पहले की तरह इस्तेमाल में लिया जा सके। गंगा नदी कोई सरकारी संपत्ति नहीं है, यह पूरे देश की है, तो इसे साफ करना और इसमें गंदगी न फैलाना हर भारतीय की जिम्मेदारी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।